सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ रेविंग माइस। तो 10 11 12 दिन हो चुके हैं, मैं पूरा वादा गायब हो चुका था यूट्यूब पे। अब सीन ऐसा था कि बहुत ही बिजी चल रहा था और पांगसू पास का जो वीडियो आया था ना, मतलब बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स, लाइक लिटरली इतना मस्त ट्रिप गया, एंजॉयमेंट तो आया लेकिन यूट्यूब पे खास उसका रिएक्शन नहीं मिला। तो उसी कारण से मतलब थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था, लेकिन कोई नहीं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मस्ती के लिए। अगर व्यूज़ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये वीडियो में भी मेरे को पता है व्यूज़ तो आएगा नहीं, वैसे ऐसे ही बना रहा हूँ। एज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पोज, पांगसू पास विजिट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा रूट होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और चलिए गाइस उसी को आज डिस्कस करते हैं। बीच बीच में आपको थोड़े बहुत फुटेज भी शेयर कर दूंगा, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मतलब कहाँ पर है, दिखता कैसा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रिसेंटली मेरे एक भैया से बात हुआ था, तो वो पूछ रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। अगर आप आसाम में रहते हो तो आपको पहला चाहिए होगा इनर लाइन परमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल जाओगे, कहीं भी जाओगे तो इनर लाइन परमिट बना के जाना। कहाँ पे बनवाना है, अगर गेट पे बनाते हो तो उसका एक डिसएडवांटेज रहेगा आपके पास उस चीज़ का, और अगर आप ऑफिस पे बनाते हो तो उसका एक एडवांटेज रहेगा। डिसएडवांटेज ये रहेगा कि जहाँ पे आप गेट पे पास बनाओगे तो वहाँ पे बस वो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ही मतलब देते हैं कि आप मान लो नामसाई डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट पे ही आपको बस एंट्री मिलेगा वो पास को लेकर जो गेट पे बनाओगे। अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देगा फिर एक पास बनाओ, तो देट मीन्स खर्चा इंटू डबल। और अगर वहाँ पे पास बना रहे हो तो फोटो कॉपी वगैरह तो चाहिए है नहीं, वैसे कहीं कहीं पे लगता है कहीं कहीं नहीं लगता है, बस आधार कार्ड का जेरोक्स या जहाँ पे एड्रेस प्रूफ है वही वाला डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा। और फिर अगर आप ऑफिस पे बनाते हो पास का तो वहाँ पे सारा मिल जाएगा अरुणाचल का, और वहाँ पे आपको दो कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ है ऐसा एक डॉक्यूमेंट जेरोक्स कर देना तो चल जाएगा, बिंदास आप घूम सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट परमिट आपको बनाना पड़ेगा SDO पे, जो नांगपोंग पे होगा वो SDO, वहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो, वहाँ पे लोकेशन है। तो ये वाला जो लोकेशन है वहाँ पे जाके आप SDO में आपको पास बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, परमिशन लोगे जहाँ पे आप एक बॉर्डर एरिया विजिट कर रहे हो, इसी कारण से वहाँ पे आपको परमिशन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वीकेंड्स में आप वहाँ पे मत जाना, क्योंकि SDO वगैरह सब क्लोज रहता है। मैंने तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके मैंने पहले ही परमिशन निकाल के रख दिया था, उसी कारण से हम लोग संडे गए थे तो होपफुली मतलब किस्मत भी अच्छा था तो उसी कारण से वहाँ पे परमिशन मिल गया। बाकी संडे मत जाना, मंडे तो सैटरडे जा सकते हो बस, और हॉलीडेज वगैरह देख लेना। अभी बात करेंगे वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। तो बस विजिट करने से पहले मैं एक सजेस्ट करूँगा, जयरामपुर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिमिट्री है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर विजिट करो। और उसके बाद पांगसू पास जाओ, पांगसू पास में आपको लेक ऑफ नो रिटर्न का एक झलक मिलेगा, और जो बॉर्डर एरिया है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर मिलेगा, और बॉर्डर में भी आपको एंट्री करने दिया जाएगा विथ हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। वहाँ का खाना अगर बात कर किया जाए, खाना फिर आपका फूडिंग एंड लॉजिंग रहने का स्टे वगैरह तो सब आपको जयरामपुर में मिलेगा। नामपोंग बहुत ही छोटा है, नामपोंग में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब लाइक होम स्टेज वगैरह तो मुझे तो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब गए थे तब वहाँ पे नामपोंग में सभी क्लोज था तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जयरामपुर आ जाना, वापस ज़्यादा दूर है भी नहीं, आराम से आपको ज़्यादा टाउन मिलेगा, नांगपोंग में इतना बड़ा टाउन है नहीं मैंने जहाँ तक देखा था। और हो भी सकता है अगर किसी को मालूम है तो बता देना कमेंट सेक्शन पे, थोड़े बहुत मुझे भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में खुशी होगा, और गलती हो गया तो माफ़ कर देना यार। तो इट विल बी लाइक वन डे ट्रिप, आप आराम से जा सकते हो, एक दिन का राइड में आप अच्छे से जगह को विजिट करके आ सकते हो। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि जो आर्मी एरियाज है ना वहाँ पे वीडियो मत करना, लाइक जहाँ पे बेस स्टार्ट होता है, तो मैंने वीडियो किया था लेकिन हाँ बेस जहाँ पे स्टार्ट होता है तो मैं वीडियो बंद कर देता था, और जहाँ पे आर्मी सर जी जो भी सर जी आपको एक्सप्लेन करेंगे वो अच्छे से टूर गाइड मतलब लाइक लिटरली आपको गाइड की तरह आपको समझा देंगे क्या है क्या नहीं इस प्लेस में। लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप वीडियो बनाते हो तो उसका बस उनका फेस हाइड कर देना, फेस हाइड कर दोगे तो ये उनका सेफ्टी हम लोग का सेफ्टी सब खुश, और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह तो मस्त आता ही है।
और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, ऊपर पूरा काला बादल और बरसात आने वाला है। तो ये वीडियो तो मेरे को पता है इतना खास नहीं था, जस्ट एज इन्फॉर्मेशन ऑफ वीडियो। और स्टिल अगर आपका कुछ क्वेरीज या डाउट्स वगैरह है तो मेरे को मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और हम लोग बहुत जल्दी जीरो राइड हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर आप डिब्रूगढ़ से देख रहे हो, डिब्रूगढ़ के आसपास के हो, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर टू DM मी और ऑन दिस इंस्टाग्राम आईडी, हम लोग एक साथ चलेंगे, मज़ा आएगा। क्या क्या बात एक बढ़िया सा लाइनअप रहेगा, और इस बार लाइनअप तो बहुत बढ़िया था, और मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही तगड़ा अभी बारिश आने वाला है, मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी घर जाऊंगा तो चलिए गाइस, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डू सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, सायोनारा, साइनिंग ऑफ।